नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विन्या और एक बार फिर से वेलकम है आपका आपके ही चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, देखिए, बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग प्लांट अलमंडा। और आज मैं इसकी केयर के बारे में आपसे बात करूँगी कि हम इससे ज़्यादा फूल कैसे लें। तो अगर इसकी फ्लावरिंग सीजन की बात करें तो ये जो प्लांट है अप्रैल से लेकर नवंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। विंटर में ये रेस्ट पीरियड में चला जाता है, तब इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन जैसे ही मार्च स्टार्ट होता है फिर से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और फिर से ये अच्छी फ्लावरिंग करने लगता है। तो वही केयर एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहली जो बात है, जब भी आप इसको नर्सरी से लेकर आते हैं तो इसे कम से कम 12 इंच के पॉट में लगाएं। इससे छोटा पॉट इसके लिए बेस्ट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है और प्लांट भी बहुत हार्डी होता है, तो जल्दी से आपको रिपॉट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप बड़ा पॉट लें, 14 इंच का या 12 इंच का, इससे बड़ा भी आप ले सकते हैं। अलमंडा प्लांट की दो वैरायटी होती हैं, एक ड्वार्फ वैरायटी होती है और एक ये वाइन वाली है। ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं ये वाइन वाली वैरायटी है और इसकी प्रूनिंग मैं करती रहती हूँ जिससे ये घना हो गया है। और देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ढेर सारी कलियाँ बनी हुई हैं। तो इस प्लांट को जब भी आप नर्सरी से लेकर आते हैं तो इसे बहुत अच्छे पॉटिंग मिक्स में लगाइए। उसमें आप एक हिस्सा मिट्टी का, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा खाद का ले लीजिए। रेत की मात्रा 10-20% ही रखें और उसमें आप पॉटिंग मिक्स में नीम खली और इसके अलावा एक चम्मच साफ पाउडर का मिला सकते हैं फंजीसाइड। उससे क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा जो प्लांट ख़राब होता है बरसात में होता है, क्योंकि उस टाइम पानी पड़ता रहता है जिससे इसमें फंगस लगने का डर रहता है, तो वो फंगस को लगने नहीं देता। इसलिए साफ या नीम खली मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे पॉट में लगा रहे हैं तो जो इसके लिए पॉट का साइज आप रखेंगे 12 इंच से ऊपर का रखें, नीचे का ना रखें, क्योंकि इसमें बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती है और उस प्लांट की ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है, तो जिससे आपको बार बार रिपॉट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप 12 इंच से जो बड़ा पॉट होता है उसमें लगाएँ। और बात करें लाइट एंड लोकेशन की, तो इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो मिलनी ही चाहिए, तभी ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। और मैंने इसे देखिए टेरेस पर रखा हुआ है, इसे कम से कम पूरे दिन की धूप तो मिल ही जाती है। अगर आप इसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर धूप कम आती है तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी, केवल पत्तियाँ ही पत्तियाँ आएंगी, तो आप ऐसा ना करें। और इसके अलावा आपको वाटरिंग का खास ध्यान रखना है, इसे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कम से कम 3 से 4 दिन के बाद ही आप पानी दें, जब ऊपर की सॉइल थोड़ी सी ड्राई हो जाए तब इसे पानी दीजिए। ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगेंगी और आपका प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। और इसके अलावा हम बात करें फर्टिलाइज़र की, तो इसे कम से कम 1.5 से 2 महीने में फर्टिलाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लगभग इसे 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं खाद दिए हुए और अभी अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो अभी मैं आपके सामने ही इसे खाद ऐड करने वाली हूँ इसमें, तो चलिए देखते हैं मेरे साथ साथ कि मैं इसे कैसे फर्टिलाइज करती हूँ। तो सबसे पहले हम प्लांट की गुड़ाई कर लेंगे अच्छी तरीके से। कम से कम देखिए इतने तक मैंने गुड़ाई कर ली है इसकी, इससे ज़्यादा नहीं करनी है आपको। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है, डेढ़ से 200 ग्राम तक वर्मी कंपोस्ट मैंने ऐड किया है इसमें। और इसके अलावा मैं अंदाजे से इसमें 1 चम्मच के लगभग बोन मील देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है आपको। और इसके अलावा इसमें मैं दे रही हूँ, ये देखिए 2-4 दाने DAP के, और इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हम इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं और वैसे तो मैं आपको दिखाने के लिए अभी फर्टिलाइज कर रही हूँ, लेकिन इसे आप जब भी फर्टिलाइज करें तो सुबह के टाइम करें या इवनिंग में करें, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो दोस्तों देखिए मैंने अपने प्लांट को अच्छी तरीके से फर्टिलाइज कर लिया है। इसके अलावा आप इसमें NPK 19:19 का आधा से भी कम चम्मच 2 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट पर, उससे भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। जो पत्तियां हैं वो बहुत शाइनी रहती हैं, देखिए इसकी पत्तियां कितनी शाइनी हैं।
और अब इसमें मैं फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी मार्च के लास्ट वीक में, विंटर में नहीं करूँगी क्योंकि ये रेस्ट पीरियड में रहता है। और इसके अलावा इसमें इंसेक्ट का भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है। अभी देखिए इस प्लांट में मेरे चींटियाँ लगी हुई हैं और इनको मैं बिल्कुल भी मारना नहीं चाहती हूँ, तो इसको मैं ऐसे ही हाथ से हटा देती हूँ या पानी से तेज प्रेशर देके इनको हटाने की कोशिश करती हूँ। और इनसे तो मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि, और इसके अलावा इसमें स्पाइडर माइट और मिली बग्स का भी अटैक होता है, उसके लिए आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर उससे नहीं जा रहे हैं तो कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड ले लीजिए, उसे आप पानी में मिलाकर इसका स्प्रे करें जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों ये थी अलमंडा प्लांट पर जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह की गार्डनिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।